अच्छा, तो आप जानना चाहते हो कि फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कैसे करते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या आपको अपने फेसबुक अकाउंट को लॉक करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेसबुक अकाउंट को लॉक करने से क्या फ़ायदा होगा। देखो यार, अगर आपका एक फेसबुक अकाउंट है और आप नहीं चाहते कि कोई अननोन पर्सन आपके प्रोफाइल पे विजिट करे और आपके डिटेल्स को जो है वो देखे, या फिर आपका प्रोफाइल पिक्चर या फिर कवर फोटो जो है वो फुल स्क्रीन में देखे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपना अकाउंट लॉक कर देते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो दो अकाउंट है, एक लॉक है एक लॉक नहीं है, तो जो लॉक है उसके प्रोफाइल पे जब क्लिक करोगे तो वो जो है नीचे लॉक दिखेगा, और जिस पे लॉक नहीं है उस पे क्लिक करोगे तो उसका प्रोफाइल जो है वो पूरा फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। सेम इसी तरह कवर फोटो भी वो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। तो लॉक करने का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपका जो प्राइवेसी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और काफ़ी हद आपके हाथों में कंट्रोल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपको प्रोफाइल को लॉक करना चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को पर्सनली यूज़ करते हो, आप चाहते हो कि आपके फेसबुक अकाउंट में सिर्फ आपके फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स ही कनेक्टेड रहे, तो आप लॉक कर सकते हो। आप नहीं चाहते किसी अननोन पर्सन को ज्वाइन करना। बट अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, डिजिटल मार्केटर हो, या फिर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो, तो ऐसे केस में आप क्यों ही लॉक करोगे यार, क्योंकि आपका तो एम ही है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विजिट करना, तो आप लॉक क्यों ही करोगे। तो चलो अब हम देखते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करने का प्रोसेस क्या है, तो चलो इसको लॉक करना सीखते हैं। तो अभी मैं फेसबुक पे आ चुका हूँ और ये मेरा खुद का अकाउंट नहीं है, ये दूसरे का अकाउंट है। तो अभी मैं चेक करता हूँ कि मेरा प्रोफाइल कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी अपना प्रोफाइल जो है लॉक करके नहीं रखा हुआ है। तो सिंपली से फ्रेंड पे चलते हैं और यहाँ पे मेरा प्रोफाइल मैंने विजिट किया, तो देख सकते हो कि ये मेरा प्रोफाइल आ गया है और मैंने अभी लॉक नहीं करके रखा हुआ है। तो प्रोफाइल पे जब टच करूँगा तो फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है, कवर फोटो भी फुल स्क्रीन में ओपन हो रहा है, उसका अबाउट सेक्शन भी देखेंगे तो अबाउट सेक्शन भी सारा दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलते हैं अभी मैं अपने अकाउंट पे और वहाँ से इसको लॉक करेंगे, फिर इस अकाउंट पे आके चेक करेंगे कि उस वक्त कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं अपने अकाउंट पे चलता हूँ। तो अभी मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ और यहाँ से अभी हम अपने प्रोफाइल को लॉक करेंगे, उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे। ठीक है, तो लॉक करने के लिए क्या करना है, सिंपली से आपके मेन प्रोफाइल वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं और देख सकते हो मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। तो सिंपली से आप देखो यहाँ पे तीन लाइनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा है छोटा छोटा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे पांचवा वाला जो ऑप्शन है लॉक प्रोफाइल का, सिंपली से आपको इस पर टच करना है और उसके बाद नीचे में आपको देखो दिख रहा है लॉक योर प्रोफाइल, सिंपली से इस पर आपको टच कर देना है। उसके बाद जो है आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, उसको देखो ये बोल रहा है यू लॉक्ड योर प्रोफाइल। ओके, तो अभी मेरा प्रोफाइल जो है लॉक हो चुका है। तो हम वापस से चलते हैं उसी अकाउंट पे और देखेंगे अब कि हमें क्या पहले और अब में क्या डिफरेंस है। ओके, तो अभी हम फिर से इस अकाउंट पे आ गए हैं और अब हम चेक करेंगे कि वो जो है प्रोफाइल अभी कैसा दिख रहा है। तो सिंपली से हम फ्रेंड पे चलते हैं और वापस से उसका प्रोफाइल विजिट करते हैं। तो देखो मैं देख रहा हूँ दिख रहा है, आप बोलोगे यार लॉक कर दिया फिर भी दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं अभी फ्रेंड हूँ। तो चलो मैं इसको अननोन बना देते हैं, यानी कि उसको अनफ्रेंड कर देते हैं। तो फ्रेंड पे जाके इसको अनफ्रेंड कर दिया मैंने, अभी जैसे ही अनफ्रेंड हो गया तो मैं उसके लिए अननोन हो गया, ये अकाउंट जो है अननोन हो गया। तो अब देखते हैं कि क्या मैं विजिट कर पाता हूँ कि नहीं। अभी मैं प्रोफाइल पे टच कर रहा हूँ, देखो नहीं ओपन हो रहा है, लिख रहा है नजरुद्दीन लॉक्ड हिज प्रोफाइल। उसके कवर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी सेम लिख रहा है, उसका जो अबाउट सेक्शन है वो हाइड हो चुका है। तो ये जो है मेरे अकाउंट के लिए जो है प्राइवेसी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, और दूसरा अननोन पर्सन जो है इसी तरह से जो मन सो आपके अकाउंट को विजिट नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया है अच्छे से कि फेसबुक प्रोफाइल को लॉक करने से क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों आपको फेसबुक प्रोफाइल लॉक करना चाहिए या फिर नहीं। आज का दोस्तों आपसे सवाल यही है कि फेसबुक का कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगता है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो कि फेसबुक के स्टोरी में अगर आप अपने फोटो के साथ में एक म्यूज़िक को ऐड करके स्टोरी कैसे लगा सकते हो, तो उसके लिए इस वीडियो को देख लो। और अगर आप जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम से किसी भी स्टोरी को कैसे डाउनलोड करते हैं अपने फेसबुक के लिए या फिर अपने व्हाट्सएप के लिए, तो उसके लिए आप नीचे वाला वीडियो देख लो। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।